77 या 77 वर्षों में संविधान में आए जो भी बदलाव है उस पर, और क्या वास्तव में संविधान में बदलाव किए ही जाने चाहिए? क्या संविधान में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनमें आज बदलाव होने ही चाहिए, या मूल संविधान अपने आप में एक बेहतर संविधान है और एक बेहतर समाज का निर्माण करता है? ये इस विषय के साथ सबसे जस्टिफाइड है। मेरा मानना है संविधान में बदलाव होना ही चाहिए, मेरा अपना मानना है संविधान में बदलाव होना ही चाहिए, और इस बात पे मैं पूरी तरह अडिग हूं कि संविधान में बदलाव होना ही चाहिए। संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया तो संविधान सभा में खड़े होकर और बड़ी सिद्धत के साथ उन्होंने बात कही थी कि ये संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं है, ये ऐसा प्रांजल था है जिसमें आगे आने वाली पीढ़ियां अपने अनुरूप वांछित बदलाव करेगी। इसीलिए संविधान के समस्त अनुच्छेदों के साथ मैं अनुच्छेद 368 संशोधन का अधिकार में देता हूं। जो बदलाव होने ही चाहिए, संविधान मृत नहीं है। बाबा साहब भगवान भी नहीं थे कि वो आगे आने वाली हजारों साल की पीढ़ियों के लिए एक ही संविधान या एक ही दस्तावेज बना लेते। वो जानते थे कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, तो संविधान में बदलाव भी होने चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि बदलाव कैसे होगा? बदलाव की शुरुआत 1951 से ही हो गई। पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं। समस्याएं तब आने लगी जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपस में लेकर कंफ्लिक्ट होने लगा। जब सरकारें चाहती थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता मिले, समस्या वहां से आने लगी कि सामाजिक न्याय पहले है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। तो गोलकनाथ केस में 1967 के वकील साहब से बैठे हैं तो उनको पता होगा, तो गोलकनाथ केस में जुडिशरी ने पार्लियामेंट के इस निर्णय को पलट दिया और फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी डीपीएसपी पर। चलिए ये बात भी ठीक है। उसके बाद संविधान में 25वां और 26वां संविधान संशोधन 24वां भी हुआ और उसमें भी इसी बात को दोहराया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने प्रीवियस को समाप्त कर दिया और राज्य रजवाड़ों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। इससे न्यायपालिका बेहद रुष्ट थी। आप ध्यान दीजिए, न्यायपालिका में जितने जज थे उनमें उस जमाने में एक भी जज समाज के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। तो जुडिशरी की मंशा और बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितना भी बेहतर क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोगों की इंटेंशन, जिसे मंशा कहते हैं, वो ठीक नहीं होगी तो राष्ट्र विकास नहीं करेगा। विकास नहीं, समतामूलक विकास नहीं करेगा। इग्लिटेरियन सोसाइटी फ्रेम हो ही नहीं सकती। तो इनिशियल फेज में जुडिशरी की जो मंशा बदलाव को लेकर के वो थी इंडिविजुअल फ्रीडम को सोशल जस्टिस पर प्रायोरिटी देने की। ये 1973 तक की टेंडेंसी रही। लेकिन 1973 के आसपास जुडिशरी को एहसास हुआ कि देश में सामाजिक बदलाव तो होगी, इसीलिए उसने कुछ चीजों को स्वीकार किया और उसी वक्त एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी। और हैरानी की बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात कीजिए, मैं कोई नेता नहीं हूं कि बार बार ऐसी बात सुनने को मिली, ध्यान से सुनिए। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और खुद न्यायालय ने संविधान के कुछ मूलभूत तत्व बता दिए कि जिनमें बदलाव नहीं होगा, और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1994 चलती रही एसआरओ में किस तक। उसकी इंटरेस्टिंग बात है उसमें कौन कौन से प्रावधान है। उसमें प्रावधान है पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट्री होगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन होगा लेकिन मूल ढांचे में नहीं होगा। उसमें लगभग तक 17 से 18 उसकी सूची आ चुकी है, लेकिन किसी भी मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में सामाजिक न्याय या वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात ही नहीं। उस मूल ढांचे में न्यायपालिका ने आज तक इस तथ्य को नहीं जोड़ा कि आरक्षण को समाप्त ना किया जाए, सामाजिक न्याय या आरक्षण भी संविधान का मूलभूत ढांचा है। इस बात को ना तो किसी ने उठाया ना जो, तो
संविधान को चलाने वाले लोगों की मंशा और संविधान में बदलाव करने वाले लोगों की मंशा, दोनों में महीन सा कॉन्ट्रडिक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। खैर यहां तक भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या शुरू होती है 1900 के आसपास, जब पहली बार नेशनल कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू या संविधान समीक्षा समिति का गठन किया गया। बाबा साहब को भगवान नहीं बनाना चाह रहे, हमारे महापुरुष थे। हाँ बिल्कुल, सुनिए नमस्कार, आप किस चीज के लिए आए हो? नहीं है, आपको इतना अक्षर बोलाना नहीं बोलना चाहिए। बाबा साहब भगवान नहीं है हमारे, मैं भगवान नहीं है हमने जो बोला। मैं आपके नाम अंदर आऊंगा। थोड़ा शांति बनाए रखें। आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संविधान को समझने वाले हैं। प्लीज जो आदमी बोल रहा है उसको सुन तो लें। अपना ये बात कर वो टाइम होने के बाद फिर उससे बात कर लेंगे। हाँ, तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस्तेमाल करने दीजिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजा ये है कि आप मुझसे असहमत होने के लिए सहमत है, कोई समस्या नहीं। तो सुनिए, तो 2002 में, सन 2002 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनी, उसका गठन हुआ। अब पहली बार जिस समीक्षा की बात आई, ध्यान दीजिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी की एक खास रिकमेंडेशन में ये था कि उसमें आरक्षण की प्रासंगिकता पर सवाल किया जाए कि क्या आज भी आरक्षण रेलिवेंट है या नहीं, क्या आज भी आरक्षण प्रासंगिक है या नहीं। पहली बार 50 सालों के इतिहास में इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से एक वैचारिक डिबेट की शुरुआत। उससे पहले डिबेट काफी सारी कि आरक्षण कितना रेलिवेंट है या नहीं, लेकिन पहली बार सरकारी तरीके से या संवैधानिक तरीके से आरक्षण पर एक वाजिब बहस स्टार्ट हुई। और कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण इरेलिवेंट हो गया है, या ये 10 सालों के लिए था और 10 सालों के बाद समाप्त होना था। लेकिन वे लोग इस बात को भूल जाते हैं। बात करना है, हॉल से बाहर जाते हैं। हमारे चेयरपर्सन ने रिक्वेस्ट किया है, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। आपको आपके बात को उत्तर मिल जाएगा आपको। मैं सर धैर्य रखिए, आपको आपकी बात का जवाब अवश्य मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद पहली बार आरक्षण पे बहस आई कि क्या आरक्षण रेलिवेंट है। वो सर लोगों ने सवाल उठाया कि आरक्षण इरेलिवेंट होगी 10 सालों के लिए था, उसको इसे रिव्यू कर देना चाहिए। लेकिन वे लोग संविधान की वो बेहद सीमित जानकारी रखने वाले लोग थे। 10 साल का जो आरक्षण था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, अनुच्छेद 330 और 332 वाला, जो सरकारी सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन का जो रिजर्वेशन था उसके लिए कोई समय सीमा थी ही नहीं। लेकिन ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने कॉन्स्पिरेसी रच के उस अनुच्छेद 335 को 330 332 के साथ पढ़ने की साजिश रची, और उससे एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा गुमराह भी हुआ, और लोगों को सच में लगने लगा कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर आरक्षण की व्यवस्था सच में 10 साल के लिए करके गए थे। लेकिन उसके लिए उसका जवाब संविधान में है। इसीलिए आज समाज के हर तबके को जरूरत है संविधान को पढ़ने की। और मैं अपनी बात पे आता हूं। अब तो बहुत सारे वक्त आए, किसी ने बोला कि बाबा साहब ने अनुच्छेद 16 में महिला रिजर्वेशन दे दिया, नहीं दिया है। संविधान के बारे में बहुत सारे लोग फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा ज्योति, उन्हें पूजना नहीं, उन्हें पढ़ना है। ब्राह्मण चाहता है कि उन्हें पूजा जाए, वो उन्हें विष्णु का 10वां 11वां अवतार बना देगा। बाबा साहेब को भगवान बनाने में हमारी हार है, हमारी जीत है उन्हें पढ़ने में, उनके विचारों को अमल करने में।
के लिए, इस विश्व के लिए। विश्व जिस मोड ऑफ इकोनॉमी पर चलता है उस डिमोनेटाइजेशन की बात बाबा साहेब ने अपनी थीसिस में द प्रॉब्लम वो पहले कह दी थी, और मैं आज अपनी बात पहड़ी हूँ। मैं बाबा साहेब के प्रेरणाओं पर, उनके आदर्शों पर चलता हूँ। वो भगवान नहीं है, वो महानायक है। ब्राह्मण चाहता हूँ भगवान बनाइए, ये ब्राह्मणी तो स्ट्रक्चर की बड़ी चीख है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना होगा। ब्राह्मणों ने आज तक 70 साल संविधान के हो गए, आपको आपका हक नहीं दिया है। सरकारी सेवाओं में 15% आरक्षण होने के बावजूद आपका प्रतिनिधित्व आधा भी नहीं है। हर एक विभाग में बैकलॉग सीट भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके ज्ञान, आपकी चेतना को कैप्चर किया हुआ है। आपकी चेतना का विकास ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने, उसके स्ट्रक्चर ने होने ही नहीं दिया है, और ना होने देगा। वो चाहता है आप पूछिए, आप मंदिर भी जाइए, आपके महापुरुषों को भगवान बनाएगा। सारी से बड़ी, क्योंकि जब आप पूछने लगते हो तो आप अधिकार छोड़ देते हो। हमें अधिकार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि बाबा साहब का बड़ा सा मंदिर बने, सरदार पटेल की तरह उनकी मूर्ति नहीं चाहिए। बस हर घर में एक किताब चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। मैं सोच के बहुत कुछ आया था बोलने के लिए, लेकिन आपने विषय से भटकाया है, धैर्य नहीं रखा है। और ये हमारे समाज की हार है कि वो नेताओं को सुनता है, इंटेलेक्चुअल आदमी को नहीं सुनता है।